हेलो स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम शारदा संस्कार पब्लिक स्कूल एंड टुडे आई विल टीच यू हिंदी सब्जेक्ट ऑफ क्लास फिफ्थ। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा पांचवी का पार्ट चार पढ़ाने वाली हूँ, जो क्या है बच्चों, एक छोटी सी कविता है। और कविता का नाम क्या है बच्चों, एक बूंद, मतलब कि पानी की जो छोटी बूंद होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जू निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। मतलब कि बच्चों, जो बादल की जो पानी की जो बूंद होती है, वो जैसे ही बादलों की गोद से निकलकर कुछ आगे ही बढ़ी थी कि फिर वो सोचने लग गई कि मैं क्यों अपना घर छोड़कर बाहर आई हूँ। देव मेरे भाग्य में है क्या बदाम, में बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी घीर अंगारों पर किसी, या पड़ूंगी या कमल के फूल पर। और जो बूंद है बच्चों, वो बारिश की जो बूंद है, वो क्या सोच रही है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं क्या बादलों की गोद से निकलकर नीचे धूल में मिल जाऊंगी, या फिर मैं किसी कमल की पंखुड़ी के ऊपर रुक जाऊंगी। वह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुन्दर आई और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो बच्चों, जैसे ही क्या हुआ, बारिश की बूंद बादलों की गोद से निकलकर नीचे गिरी तो वह समुद्र में गिरी, और समुद्र में क्या था, सीप का मुंह खुला था बच्चों, तो वह बूंद उसमें गिरकर मोती बन गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। और लोग किसी भी काम करने में बहुत ही झिझकते हैं, जबकि उनको पता है कि उन्हें एक न एक दिन बच्चों घर छोड़ना ही है, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लू कुछ और ही देता है कर, और अक्सर लोग अपने घर को नहीं छोड़ पाते हैं। सो बच्चों, इस कविता में हमने किसके बारे में, बारिश की एक बूंद के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।